आया, लोगों की नस्ल चलती है बेटे से, मेरी नस्ल चलेगी मेरी बेटी फातिमा से। और आपने इरशाद फरमाया कि सैयदा शबाब अहलिल जन्नत अल हसन वल हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। और आपने फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और आपने फरमाया फातिमा बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इसे दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, जिसने इसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। तो फरमाया फातिमा तू और मैं, ये दोनों यानी हसन हुसैन और ये जो सोया हुआ है, हम क़यामत के दिन पांचों इकट्ठे होंगे। और आपने फरमाया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है, और मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखना वो मुझसे बुग़्ज़ रखना है। और आपने फरमाया क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता मेरे ख़ानदान के साथ बाकी रहेगा और मैं उनकी सिफारिश ज़रूर करूँगा। और आपने फरमाया कि मेरे अहले बैत के बारे में मेरा ख्याल रखना, मेरे अहले बैत के बारे में मेरा ख्याल रखना। आगे अकीदा तहाविया जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, उसकी इबारत है नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं, और जो उनको अच्छे नाम से याद नहीं करता हम उससे भी। फिर आपने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और ये अल्लाह के महबूब के ख़ानदान को नुमाया करती हैं, बड़ा करती हैं। और आपने फरमाया या अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और या अल्लाह जो इनसे प्यार करें उनसे भी प्यार फरमा, और जो इनसे बोझ रखें उनसे बोझ रख, जो इनसे प्यार करें उनसे प्यार कर। अहले बैत से मोहब्बत ना करना ये निफाक है, मुनाफ़क़त है, कुफ्र है। अहले बैत से प्यार करना ईमान है, ईमान का कमाल है, ईमान का कमाल है। जिस घर में अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा किया, जिस नबी की गोद में उनकी औलाद परवान चढ़ी, अगर हम उनसे बोझ रखेंगे तो हमारा ईमान कहाँ चला गया? ना ईमान है ना ईमान रहेगा। उनकी मोहब्बत ही असल ईमान है, उनकी मोहब्बत ही असल ईमान है। एक रिवायत याद है कि मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी औलाद में से आया किसी के साथ अच्छा सलूक किया और मेरी औलाद का कोई फर्द उस एहसान का बदला ना दे सका गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से, तो क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से अपने उस उम्मती को उस एहसान का बदला दूंगा जो मेरी औलाद में ना दे सका। इस पर मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। इब्नु जौज़ी रहमतुल्लाह जैसे मुहद्दिस ने इस वाक़े को नकल किया है अपनी किताब किताबुल बिर्र वस्सिला में, कि हरात में एक सादात फैमिली थी, वो खातून जवानी में बेवा हो गईं, बच्चियाँ थीं, तंगदस्ती आई, तो उन्होंने समरकंद की तरफ हिजरत फरमा ली। रिस्क की माश की तलाश में वहां पहुंची तो पूछा कोई यहां सरदार कोई सखी, चूंकि नौवारिद थी तो लोगों ने बताया कि एक तो यहां मुसलमान बड़ा सरदार है और पूरे इलाके का रईस है, और एक यहां आग का पुजारी आतिश परस्त है, वो भी बड़ा रईस बड़ा सखी मालदार है। तो उन्होंने सोचा कि मैं गैर मुस्लिम के पास क्यों जाऊं, वो मुसलमान के पास गई और उससे फरमाया कि मैं आले रसूल हूं, परदेसन हूं, मेरी बच्चियां हैं, मुझे ठिकाना भी चाहिए खाना भी चाहिए। वो सरदार कहने लगे तेरे पास कोई, आमतौर पर जो अहलुल बैत है उनके पास लिखा हुआ नसब नामा होता है, मैंने कई घरानों में माशाल्लाह देखा अल्लाह के रसूल तक उनके सारे आबा के नाम लिखे हुए, तो क्या तेरे पास कोई सनद है? उसने कहा भाई मैं तो परदेसी हूं गुर्बत की मारी, मैं कहां से सनद दिखाऊं। तो वो कहने लगा यहां तो फिर हर दूसरा आदमी कहता है मैं सैयद हूं आले रसूल हूं। तो उसने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, तो वो वहां से आई और उस आतिश परस्त के पास गई, वो जो आग का पुजारी था, और अपना तारुफ करवाया। उसने फौरन अपनी बेगम को साथ भेजा और कहा कि जाओ इनकी बच्चियों को लेकर आओ, जहाँ उन्होंने कहीं ठहराया हुआ था
उनको लेकर आए, सर्द रात थी, उनको खाना खिलाया, सुला दिया। रात को मुसलमान सरदार ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में एक खूबसूरत सोने का महल है, उसके दरवाजे पर खड़े हैं। ये अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये महल किसका है? तो आपने फरमाया ये एक मुसलमान का है। तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुसलमान तो मैं भी हूं। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर कोई दलील पेश कर, कोई सबूत पेश कर। तो वो कांप गए। तो फिर अल्लाह के नबी ने बहुत गुस्से से फरमाया कि मेरे घर की बच्ची तेरे दरवाजे पर चल कर आई और तूने उससे सबूत मांगे कि मुझे सबूत दे, तू अहले बैत में से है, मेरी नजरों से दूर हो चुका। उनकी आंख खुली तो उनकी चीखो पुकार, वो नंगे सर नंगे पांव बाहर निकल के शोर मचाया कि वो जो परदेसन खातून थी कहाँ गई? अजी वो तो वो ले गया, वो आतिश परस्त आग का पुजारी ले गया। वो भागे और जाके उसके दरवाजा दौड़ 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 दरवाजा तोड़ा। वो घबरा के बाहर निकला तो देखा तो वो रईस, क्या हुआ? कहा भाई वो जो तेरे पास खातून आई हैं बच्चियों समेत मुझे दे दो, वो मेरे मेहमान हैं। तो उसने कहा, हुजूर वो मेरे मेहमान हैं, आपके नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। वो कहने लगा, मुझसे 300 दीनार ले लो। 300 दीनार कोई आज का 60-70 लाख रुपया बनता है। कम उससे 300 दीनार ले लो और वो खातून बच्चियों समेत मेरे मेहमान बना दो। तो वो रोने लगा, कहा कि मेरे भाई, बिन देखे का सौदा किया था, अब तो देख चुका हूं, अब मैं तुम्हें कैसे वापस करूं कि मैंने भी ख्वाब देखा, मैंने भी ख्वाब देखा, जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह के नबी खड़े हुए थे, तुझे डांट पड़ रही थी, तुझे कहा जा रहा था दूर हो जा। उसके बाद अल्लाह के नबी मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तूने मेरी बेटी को ठिकाना दिया, चल तू तेरा सारा घर सब बख्शे गए, सबके लिए जन्नत का अल्लाह ने फैसला कर दिया। कहा मेरी आंख खुली है, मैं ईमान ला चुका हूं, मेरा सारा घर कलमा पड़ चुका है, हम सब मुसलमान हो चुके हैं, हम वो दौलत आपको कभी वापस नहीं करेंगे। ये अहलुल बैत हैं और ये कोई 300-400 साल के बाद की नस्ल है, तो हसन हुसैन का क्या मकाम होगा, जैनुल आबिदीन का क्या मकाम होगा, जैनब का क्या मकाम होगा, फातिमा का क्या मकाम होगा, अली का क्या मकाम होगा, अब्बास का, जाफर का, अकील का। आलो रसूल हैं हजरत अब्बास की औलाद, हजरत अली की औलाद, हजरत अकील की औलाद और हजरत जाफर की औलाद। इन चार हजरात की औलाद को आले रसूल कहा जाता है और फिर इसमें सबसे आली शान है जिनका सिलसिला हजरत हसन हुसैन यानी हजरत फातिमा से चला। हजरत अली रजील तला के फातिमा के बाद आपने 7 शादियां और की, उनसे भी आपकी औलाद है, वो भी अहलुल बैत हैं क्योंकि हजरत अली की औलाद हैं, उन पर भी सदका हराम है। लेकिन जो मकाम हसन हुसैन को हासिल है जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वो और किसी को हासिल। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु